Hello friends, today once again I came with a new video, and this time you can see I have made an UQ platform for my Dobsonian telescope. And today I am going to show how can you make an UQ platform in a simplest way. दोस्तों, अगर आपके पास भी एक डॉब्सोनियन टेलीस्कोप है और आप एस्ट्रोफोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो इस तरह का एक UQ प्लेटफॉर्म आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह का UQ प्लेटफॉर्म आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतने टेक्निकल नॉलेज नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा सबसे आसान तरीके से आप कैसे एक UQ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। एंड यू कैन सी द मेजरमेंट्स। और ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये है लोअर पार्ट और ये है अपर पार्ट, और ये आप देखते हैं पोल स्टार, और ये नॉर्थ की साइड रहेगा, और ये आप देख सकते हो एक ट्रायंगल बना है, और ये जो एंगल है ये मेरा लेटिट्यूड एंगल है 24.3 डिग्री। दिस इज़ योर ओन लेटिट्यूड एंगल। टू फाइंड योर लेटिट्यूड एंगल जस्ट गो टू दिस साइट एंड टाइप योर लोकेशन और सिटी नेम एंड यू विल गेट योर लेटिट्यूड एंगल। After getting the latitude angle, I subtract it from 90 degree, you can see, and I got 65.7 degree after subtracting from 90 degree, you can see. And this 65.7 degree will be this angle, you can see. And this is bearing. And from this point to this point is 52 centimeter, which is very important. ये 52 सेंटीमीटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोटर के आरपीएम के साथ रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू मोटर आरपीएम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले आपको इस तरह का एक प्लाईवुड का टुकड़ा लेना है, आप देख सकते हो, और इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा के ऊपर एक कील ठोक देना है, और ये कील से इस एंड तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो 52 सेंटीमीटर है, जो मैंने डायग्राम में बताया। ये देख सकते हो इसका जो लेंथ है 52 सेंटीमीटर, और अब मैं इसको टेबल के ऊपर फंसा देता हूँ कुछ इस तरह, ताकि ये इस तरह से मूव कर सके, एक आर्क बनाए। इसके बाद एक आर्क खींच लेता हूँ, यह देख सकते हो एक सर्कुलर आर्क बन गया है। अब मैं इसको काट लेता हूँ मशीन से। और अब मैं फिर से इस सर्कुलर पोर्शन को इस तरह से लकड़ी के टुकड़े के साथ फंसा देता हूँ, और इसको टेबल के ऊपर भी फंसा देता हूँ इस तरह, ताकि ये इस तरह से मूव कर सके। उसके बाद ये सेंट पेपर ग्राइंडर से मैं इसको पॉलिश करता हूँ इस तरह, ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए,
ये देख सकते हो आप, इसके जो एज है स्मूथ हो गए, बिल्कुल स्मूथ हो गए। और अब मैं ये ट्रायंगुलर शेप की जो प्लाईवुड है इसके ऊपर ये सर्कुलर पोर्शन को चिपकाऊंगा फेविकोल ग्लू से। एंड दिस इज 65.7 डिग्री एंगल यू कैन सी, विच आई शोड अर्लियर इन द डायग्राम। और अब मैं ये सर्कुलर पोर्शन को ये ट्रायंगुलर शेप की प्लाईवुड के ऊपर फेविकल से चिपका देता हूँ, आप देख सकते हो। और अब मैं नीचे वाला जो पार्ट है ट्रायंगुलर पार्ट है इसके ऊपर बियरिंग बैठाऊंगा। और ये भी देख सकते हो आप, इसका जो एंगल है 65.7 डिग्री होगा। और आप देख सकते हो और भी दो बियरिंग की ज़रूरत होगी इस तरह। और ये जो बियरिंग है उनको मैं फेविकल से चिपका दूंगा। और आप ये देख सकते हो ये जो बियरिंग्स है इस तरह से घूमते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे जो प्लाईवुड है वो काफ़ी थीन है, इसलिए मैं ज़्यादा मजबूती के लिए ये जो लकड़ी का टुकड़ा, एक्स्ट्रा लकड़ी का टुकड़ा मैंने ऐड किया। और ये देख सकते हो थीन स्टैंड भी लगाया है नीचे से। और ये आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म की जो ऊपरी हिस्सा है। और ये आप देख सकते हो ये कील मैंने ठोका है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो प्लाईवुड का टुकड़ा लगाया है मैंने मजबूती के लिए ये कलम के साथ। फ्रेंड्स यू कैन सी माय प्लाईवुड इज़ वेरी थिन, सो आई ऐड टू एक्स्ट्रा पीस ऑफ वुड यू कैन सी टू मेक इट मोर स्टार्डी। And you can see the upper part can move like this. आप देख सकते हो कि ऊपरी वाला जो हिस्सा है जो सर्कुलर पोर्शन कैसा मूव करता है। और उस तरफ से भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। और आप ये देख सकते हो 6 mm थ्रेडेड रॉड जो मैंने अमेज़न से बाई किया है।
और इस तरह के एक प्लाईवुड के टुकड़े के ऊपर में छेद करके इस छेद के अंदर इस नट को इंसर्ट कर दूंगा इस तरह। और इसको मैं अब इस तरह नीचे से लगा दूंगा ग्लू से। और ये आप देख सकते हैं जो निचला हिस्सा है इसके ऊपर में मेरे ट्रैकिंग मोटर के लिए एक हाउसिंग बनाया है। और यह देख सकते हो मेरे मोटर जो मैंने अमेजोन से बाई किया है। इसका 4 वायर्स होता है, 2 येलो वायर्स, 1 रेड वायर एंड 1 ग्रीन वायर। इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसका नाम है क्या, 60 KTYZ एसी सिंक्रोनस मोटर कहते हैं इसको। 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज, 6.5 वाट का है ये। और इसका जो आरपीएम है 2.5 आरपीएम, ये आप देख सकते हो 2.5 RPM का है। और इसके साथ 0.15 माइक्रोफेरेट के एक कैपेसिटर भी आता है। ये दोस्तों काफ़ी पावरफुल मोटर होता है, लोड लेने के बाद भी इसका जो स्पीड कांस्टेंट रहता है। और इसको एक टर्नर मोटर भी कहते हैं क्योंकि वो एग हैचिंग इनक्यूबेटर मशीन में ये यूज़ होते हैं या फिर लेमिनेशन मशीन में भी यूज़ होते हैं ये। और दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने एक रबर का टुकड़ा ले लिया है। ये मेरे बाइक का जो पुराना ट्यूब है यहाँ से मैंने ये ले लिया है। और ये रबर का टुकड़ा को मैं मोटर के ऊपर इस तरह लगा देता हूँ। ये रबर का टुकड़ा लगाने से दोस्तों ये होता है कि मोटर के जो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है वो ये एब्जर्व कर लेता है और मोटर का काफ़ी स्मूथ चलता है। और अब मैं इस तरह की स्क्रू से मैं इस मोटर को इस हाउसिंग के साथ जोड़ दूंगा।
और दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा मेटल का पाइप ले लिया है और इसमें 4 होल्स कर दिया है, इस एंड पे 2 होल्स और इस एंड पे 2 होल्स ऑपोजिट साइड से। एक्चुअली ये जो मेटल का पाइप है एक यूनिवर्सल जॉइंट की तरह काम करेगा, इट विल एक्ट्स लाइक एन यूनिवर्सल जॉइंट। और अब मैं इसको लगा देता हूँ इस तरह के पिन की मदद से, मेटल का पिन की मदद से। ये देख सकते हो ये लग गया है और ये देख सकते हो जो मेरा 6 mm थ्रेडेड रॉड है इसका इस एंड पे मैंने एक प्लास्टिक का पाइप भी लगा दिया है और यहाँ पे भी 2 छेद किया है। और देख सकते हो ये लग गया और ये थोड़ा सा इस तरह मूव भी कर सकता है इस तरह, क्योंकि ये थोड़ा सा मूव करना ज़रूरी है। और ये आप देख सकते हो मैंने मोटर के साथ सर्किट बना लिया है, देख सकते हो ये जो 0.15 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है। और ये 220 वोल्ट एसी का पावर सप्लाई प्लग है। और ये कंट्रोल यूनिट है, एक DP/DT स्विच है, आप SP/DT स्विच भी यूज़ कर सकते हो। और ये वन ऑफ स्विच है, ये DP/DT स्विच है मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए, और ये वन ऑफ स्विच है। और अब मैं यह प्लग को 220 वोल्ट एसी पे लगा देता हूँ, लगा के आपको दिखाता हूँ। ये ऑन कर दिया है, और ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये मोटर है और ये मोटर से आप देख सकते हो 4 वायर्स, 2 येलो वायर्स, 2 येलो वायर्स को आप इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए एक साथ, और इसके बाद ये वन ऑफ स्विच होते हुए एसी लाइन तक जाएगी। और ये जो रेड और ग्रीन 2 वायर है इसके बीच में ये आप देख सकते हो 0.15 माइक्रोफेराड की एक कैपेसिटर लगेगी इस रेड और ग्रीन वायर के बीच। और ये जो रेड और ग्रीन वायर वो SP/DT स्विच के 2 टर्मिनल में लगेगी, और जो मिडिल टर्मिनल है उससे एक एसी पावर लाइन पे जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से देख सकते हो। और अब मोटर को मैं ऑन करता हूँ और आप देख सकते हो मोटर स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे से घूम रहा है क्योंकि इसका जो RPM है 2.5 RPM बहुत धीमे से घूमता है। आप देख सकते हो ये घूम रहा है और इसको मैं रिवर्स कर दिया है, उल्टा घूम रहा है। आप ये देखिए फिर से उल्टा घूम रहा है।
और फाइनली मैंने मेरा IQ प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से असेंबल कर लिया है, आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो, ये घूम रहा है। और यहाँ पे मैंने एयर एक्स्ट्रा प्लाईवुड का टुकड़ा इस तरह से होल करके लगा दिया है स्टेबिलिटी के लिए। और दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ कैसे घूम रहा है, ये आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो IQ प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगी, मैं टाइम लैप्स करके आपको दिखाने की कोशिश की। सो दोस्तों, ये रहा मेरा IQ प्लेटफॉर्म और ये रहा मेरा डब्सनियन टेलीस्कोप का डब्सनियन माउंट। इसको मैं आप इस IQ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बैठा के दिखाता हूँ, इस तरह से बैठाना है। और उसके बाद इसके ऊपर टेलीस्कोप को बैठाना है। और आप इसको किसी भी दिशा पे घुमा के आप स्काई की किसी भी ऑब्जेक्ट की ओर इसको मूव कर सकते हो, इस तरह। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस IQ प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।